हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमिता और अमिता मोदी किचन में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। आज की मेरी पहली टिप्स है बेलन को लेके। बेलन का यूज़ तो किचन में हम डेली करते ही हैं खाना बनाने के लिए, और बस यूज करने के बाद इसको हम ऐसे ही धो के रख देते हैं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से हमें बेलन को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ये कैरी बैग तो हमारे घर में किसी न किसी रूप में आते ही हैं, कोई ना कोई सामान तो इसमें हमारे घर में आता ही है। तो आज इसका एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हम उपयोग करने वाले हैं। ये जो बेलन है ना, इसको कैरी बैग में हम कवर करके अच्छे से रख देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बेलन हम धोते हैं, साफ़ करते हैं, उसको अच्छी तरीके से हमें सुखा लेना है। गीला बेलन हम पॉलीथीन में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, नहीं तो बेलन हमारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये लकड़ी से बना होता है ना, इसीलिए इसमें फंगस आ जाएगी, फफूंद आ जाएगी, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो बेलन को अच्छे से सुखा लेना है हमें, उसके बाद फिर पॉलीथीन में कवर करके रखना है। रात में हम सो जाते हैं, उसके बाद जो कीड़े मकोड़े काकरोच वगैरह आते हैं ना, वो अटैक करते हैं हमारे खाने पे, हमारे घर में रखा हुआ जो सामान होता है ना उस पे। अब इन चीज़ों का हम उपयोग कर लेते हैं, कितनी घिन आती हमें, है ना। अब हमें तो नहीं पता कि ये चीज़ें किस तरीके से उपयोग की गई हैं। तो इस तरीके से आप ना कवर कर दीजिए इसको पॉलीथीन से और रख दीजिए, और सेफ़ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। बस इसको हमें अच्छे से सुखा लेना है, उसके बाद इसको हमें पॉलीथीन में कवर करके रखना है। तो है ना कमाल की टिप्स, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। शादी का सीज़न चल रहा है और हम मेकअप करके जाते हैं। अब ढेर सारा मेकअप तो हम कर लेते हैं, आईलाइनर वगैरह, फेस पैक, लिपस्टिक वगैरह अपने फेस पे लगा लेते हैं। अब वहाँ से आते हैं और हम बस ऐसे ही नॉर्मल पानी से अपने फेस को धो लेते हैं, जिससे क्या होता है, सारा मेकअप जो होता है ना अलग नहीं होता हमारे फेस से। लेकिन जो मेकअप हम करते हैं ना, उसको हमें अपने फेस से अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बार हमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो जाती है, छोटी छोटी सी पुड़ियाँ वगैरह भी हमारे फेस पर आ जाती हैं। तो इसको अलग करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, कुछ नहीं करना, कोई भी कोल्ड क्रीम ले लीजिए या फिर ले लीजिए वैसलीन, और इसको अपने फेस पे अच्छे से लगा लीजिए। उसके बाद आप इसको धोइए। जितना भी मेकअप है ना, आईलाइनर है, लिपस्टिक है, फाउंडेशन है, जो कुछ भी आपने लगाया हुआ है ना अपने फेस पे, वो सारा कुछ अलग हो जाएगा। और ये देखिए, मैंने आपको करके बताया है, कोल्ड क्रीम लगाई है और ये मैंने मेकअप किया था अपने हाथों पे, सारा कुछ अलग हो गया है। छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत कमाल की है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यह है चॉपर। सब्जियां काटने वाला चॉपर तो आजकल हर घर में मिल ही जाएगा, ऑनलाइन भी ये बहुत अच्छे से मिल जाता है। इससे हमारे घर के काम बहुत आसान हो जाते हैं, सब्जियां बहुत बढ़िया तरीके से इससे कट जाती हैं और बहुत बारीक कटती हैं इससे सब्जियां, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। लेकिन आज चॉपर से हम सब्जियां को नहीं काटेंगे, आज काटेंगे हम लहसुन को। बिना छीले, बिना हाथ लगाएं, बिना काटे लहसुन काटने का बहुत बढ़िया तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चॉपर में लहसुन की कलियों को हम डाल देंगे और थोड़ा सा इसको हम चलाएंगे। उसके बाद देखिए, मुझे एक लहसुन की ज़रूरत थी तो मैं एक लहसुन करके आपको बता रही हूँ। आपको जितनी लहसुन की ज़रूरत हो उतना काम बहुत आसान हो जाएगा, उतनी लहसुन आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि छिलके अलग हो गए और लहसुन भी हमारी कट गई है। इसको मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा चलाया था और ये काम कितना आसान हो गया है। थोड़ा सा पानी इसमें हम डाल देंगे, जिससे इसमें जितने भी छिलके होंगे ना, वो सारे कुछ ऊपर आ जाएंगे। तो बस एक कटोरी ली हुई है और बस इसके जो छिलके हैं ना, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसको कहते हैं घंटों का काम मिनटों में होना। इस ट्रिक से आप जितनी चाहे लहसुन को आप काट सकते हैं, आपके ना हाथों में जलन होगी, ना हाथों में दर्द होगा, कुछ भी नहीं होने वाला, ना छीलना है, ना काटना है, कुछ भी नहीं करना। जो ये एक्स्ट्रा पानी है ना, उसको हम निकाल देंगे और ये देखिए कितनी बढ़िया और बारीक लहसुन कट गई है बिना हाथ लगाएं। तो हो गया है ना काम आसान, जुगाड़ू तरीके से। इस तरीके से हम अपने घर गृहस्थी का बहुत सारा काम, घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। अब जो ये छिलके बचे हुए हैं ना, इसको भी हम बाहर बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाले, इनका भी हम उपयोग करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चाय बनाने के बाद जो ये चाय पत्ती बचती है ना, इसको क्या करते हैं, हम बाहर फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आप कभी इसको बाहर मत फेंकिए, बहुत कमाल की होती हैं ये। इसमें डाल देंगे हम विनेगर को, 1 से 1.5 चम्मच विनेगर इसमें हमने डाल दिया है, और जो ये छिलके थे ना लहसुन के, उसको भी इसमें डाल देंगे। और चाय पत्ती, लहसुन के छिलके, विनेगर, तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट होने देंगे, ढक्कन से ढाँक देंगे और 10 मिनट बाद इसका हम उपयोग करने वाले हैं एक बहुत बढ़िया तरीके से, जिसको देखने के बाद आप बोलेंगे वाओ, कितने बढ़िया तरीके से लहसुन के छिलके, चाय पत्ती का हमने उपयोग कर लिया है। तो ये ली हुई है मैंने छन्नी,
छन्नी से अच्छे से छान लेंगे, पानी नीचे आ गया और जो ये लहसुन के छिलके हैं चाय पत्ती ऊपर आ गई। अब ये जो चाय पत्ती और लहसुन के जो छिलके हैं ना उसको भी बाहर नहीं फेंकना है, इसका भी उपयोग करेंगे। चलते हैं अपने गार्डन की तरफ। गर्मियों का मौसम चल रहा है और हम कितने भी अपने पेड़ पौधों की केयर करें लेकिन वो सूख ही जाते हैं, उनकी ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो पाती। तो ये जो चाय पत्ती है और लहसुन के छिलके हैं अच्छी कंपोस्ट का काम करते हैं, आप इसको अलग बिल्कुल भी मत कीजिए, इसको डाल दीजिए अपने गमलों में। उसके बाद देखिए कितनी बढ़िया ग्रोथ होती है आपके गमलों की, आपके पेड़ पौधों की, हरे भरे हो जाएंगे गर्मियों के मौसम में भी। और ये जो चाय पत्ती का पानी है ना इसका भी उपयोग करने वाले हैं हम, इसको डाल देना है हमें अपने सिंक में और वॉश बेसन में। इसको आप रात में यूज करेंगे ना उसके बाद देखिए आपके घर में एक भी कीड़े मकोड़े कांकरोच छिपकलियाँ आने वाली नहीं है। अक्सर तो यहीं से आती है ना कीड़े मकोड़े छोटे छोटे से कांकरोच छिपकलियाँ वगैरह सिंक से वॉश बेसन से। तो रात में जब आप सोते हैं ना तो ये जो लिक्विड हमने तैयार किया हुआ है इसको आप डाल दीजिए, इसके बाद आपके घर में एक भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जब भी किचन में खाना बनाते हैं तो अक्सर हमारा हाथ टच हो जाता है गरम गरम तवे पे या फिर कुकर में या कढ़ाई में, ऐसा हो ही जाता है। हम कितनी भी सावधानी बरते हैं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मेरा हाथ थोड़ा सा टच हो गया था तवे पर, जल गया था हाथ। अब एकदम से क्रीम तो नहीं थी घर में, तो मैंने क्या किया कोलगेट लिया और उसको हाथ में लगा लिया, इतना आराम मिला मुझे और जो फौले वगैरह होते हैं ना वो भी बिल्कुल भी नहीं आए थे। तो इस तरीके से कभी भी हाथ में जलन होती है, जल जाता है हमारा हाथ, कोलगेट को लगा लीजिए, बिल्कुल जलन शांत हो जाएगी और फौले वगैरह भी नहीं पड़ेंगे। बहुत कमाल की टिप्स है, गर्मियों के मौसम में ये टिप्स तो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। आज की जो नेक्स्ट टिप्स है वो हर लेडीज़ के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि फ्रिज में पैसे क्यों रख रहे हैं, एक बहुत ही बढ़िया और यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसको देख के आपके बहुत सारे काम हो जाने आसान। तो चलते हैं अपने किचन की तरफ। किचन में लहसुन प्याज और मिर्च का यूज़ तो डेली हम करते ही हैं। अब बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी लेडीज़ों को प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो ये हरी मिर्च वगैरह काटती हैं तो उनके हाथों में और नेल में बहुत जलन होती है। खासकर गर्मी के मौसम में तो ये एक बहुत बड़ा हेडेक होता है, लहसुन को छीलना, काटना, प्याज को काटना या फिर हरी मिर्च को काटना। कुछ नहीं करना, एक बहुत ही बढ़िया सी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रात को जब हम सोते हैं ना उससे पहले आप फ्रीजर में रख दीजिए ये सिक्के, 4 से 5 सिक्के आप फ्रीजर में ज़रूर रख दीजिए। उसके बाद ये सिक्के इतने बढ़िया ठंडे ठंडे हो जाते हैं कि आप लहसुन प्याज या हरी मिर्च को काटेंगे उससे आप हाथों में फिर ये सिक्के को लगा लीजिए, इतनी ठंडक मिलेगी आपको। और जो जलन वगैरह हाथों में होती है, कई बार नेल्स भी इससे दर्द होने लगते हैं, नेल में इतनी ज़्यादा जलन होती है कि फिर और भी कोई काम हमारे करने की इच्छा नहीं होती। तो आप ना सिक्कों को ज़रूर फ्रीजर में रख दीजिए और फिर आप देखिए कमाल हो जाएगा बिल्कुल। आप कितनी भी लहसुन को काटेंगे, प्याज को काटेंगे, हरी मिर्च को काटेंगे, आपके हाथों में जलन होने वाली नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ना बिल्कुल वैसे ही करना, और इतना बढ़िया लगता है गर्मी के मौसम में तो ठंडा ठंडा सा कॉइन जब आपके हाथों में टच होगा ना तो बिल्कुल मज़ा आ जाना है। तो इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, ये आपके बहुत काम में आएगी, बहुत कमाल की टिप्स है ये। तो देखिए फ्रेंड आज कितनी ढेर सारी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, इनमें से सबसे अच्छी टिप्स आपको कौन सी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे यदि नया है ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग, ओके, टेक केयर, बाय बाय।